મજા તો જી બી આવે જી બહુ આજ હોવે કરવા દે કે મત કોઈ વાત નહી કરવાની પડે કે આજે આણ દે બી મારે નીચે તું તો બતા દે દોસ્તો તો કોણ સો ટ્રેક્ટર લેયા 56 हेलो दोस्तों, मेरा नाम दोस्तों मेरा नाम है तनिष्करण भाई। आज की जो वीडियो की शुरुआत हो रही वो आप देखो पीछे जो जोन डेयर की एजेंसी पे हो रही शुरुआत। अब भाई आप समझ गए होंगे जो जोन डेयर की एजेंसी पे जो वीडियो की शुरुआत हो रही इसका क्या रीजन हो सकता है। भाई पापा को बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन हो रहा था कि कौन सा ट्रैक्टर लूँ या कौन सा ना लूँ। इसी वजह से भाई फिर एक बात याद आई, निशु अंकल से वादा किया था एक बार पापा ने, कम से कम जब निशु अंकल के साथ याद से नहीं हुआ था उससे एक महीने पहले की बात है, हाँ शायद एक महीने पहले की। और भाई तब बात हुई थी कि मैं जोन डियर लूँगा, हम मतलब पापा ने कहा था कि मैं जोन डियर लूँगा और निशु अंकल बोल रहे थे 36-30 लेने को न्यूलैंड वालों का। और भाई तब तक ये नहीं फाइनल हुआ था कि जोन डियर कौन सा लूँ या कौन सा ना लूँ, पापा ने ये नहीं फाइनल किया था। तो भाई अब फाइनल हो गया कौन सा लेना जोन डियर। आपने पापा की वीडियो में देख लिया होगा जोन डियर 5210। देखो भाई अब भैया 5105 जोन डियर का इलेवस बैठा भाई इस पर और वो उधर खड़ा 5036। और भाई एक ट्रैक्टर ये रहा 4x4 है भाई, ये है 5310। तब क्या है भाई पापा 5310 को चला के देख रहे हैं बाहर निकल रहे हैं इसको। भाई बहुत ज़्यादा साइलेंट है ट्रैक्टर, बहुत ही ज़्यादा। हद से ज़्यादा साइलेंट है भाई, आवाज़ भी नहीं कर रहा बिल्कुल, जैसे गाड़ी करती है लवीजे तो आवाज भी नहीं कर रहा। देखो ट्रैक्टर के मुर्गाड़ पे भी वाइब्रेशन नहीं, जोन डियर में यही तो खास बात है। अरे न्यूलैंड इबलो तो वो तो कन्न मंडली करता रेस ट्रैक तो इधर दिखाइयो एक बार रेस देगा मजा तो पर की भी आवे जी कन्न मंडली कड़े। अच्छा हां अगर नहीं भाई तो भाई हमारा ट्रैक्टर आएगा, हमने उसकी बुकिंग अमाउंट आज पे कर दी। अब कब तक आ जाएगा ट्रैक्टर हमारा, उनसे पूछो वो करें। तो भाई चलो पूछ डीलर अंकल से कब तक आ जाएगा ट्रैक्टर हमारा। तो भाई ट्राई लेकर आऊंगे इसकी, अंकल जी ट्रैक्टर कब तक आ जाएगा हमारा आपका बेटे? हाँ आपको हम दे देंगे, उम्मीद है कल दे देंगे, कल नहीं वरना परसों तो कल या परसों। हाँ परसों कल कल शाम तक आ सकता है, परसों भी ले सकते हैं परसों को। अच्छा जी, और तभी क्या लगा बच्चा, ये तो बड़ा गाँव का भाई, तगड़ा ही जुगाड़ है। तो है जोंडियर क्यों लिया, कुछ खास कारण? जोंडियर हाँ जोंडियर जोंडियर की क्वालिटी देखेगा भाई, सारों की देख ली, और की सारों की देख ली, देखेगा जोंडियर का स्वाद चखा कर क्या? हाँ जोंडियर का हरे का चखेगा भाई, पिछली वो दुनिया भर सब तड़के आ रही है, देख काम तो जा रहे चखेगा लीला चख लिया लाल चख लिया अभी जा रहे पहले लिया है यार ने चखेगा भाई। तो वो आवाज तो करता नहीं हूँ, सुन सुन करे आवाज नहीं करता, यो साइलेंट ट्रैक्टर साइलेंट बच्चा है। पर मजा तो जी भी आवा है जी, बहु आवाज होवे करवा देंगे वो तो कोई बात नहीं, करवानी पड़ेगी आवाज है आण दे भी मारे नीचे। तू तो बता दे दोस्तों तो कौन सा ट्रैक्टर लिया 56 मेरा मुंह निकल गई 56 आवे है जोन डियर का आवे अंकल 56 आवे है जोन डियर का 52 आवे 52 56 नहीं 52 कहता हूँ क्वालिटी है बच्चे फिटन फिनिश नहीं देखता हूँ न्यूलैंड में तो कहीं इतनी छीद कहीं इतनी सी इसमें देख बिल्कुल भी कहीं है बराबर है सारी जगह कि नहीं। देखो भाई राइट है एक कोड है कि नहीं जलाइयो राइट एक बार। देखो भाई रैंडम आए हैं हमें कम दिखने क्या कम दिखने लग गया तो कैसा लगा है बच्चा करी हुई ले नहीं मर तो लग रहा है भाई हाँ तो सीआरडीआई है भाई वो ही लेंगे 52 ही। तो भाई मेरा भाई भी बैठ कर देख रहा भाई ये जो ट्रैक्टर है 50-50 भी ये सेम ट्रैक्टर नहीं सुनकर के पास था, मतलब ऐसे नहीं था उन्होंने अलग से मॉडिफिकेशन करा रखी थी, मतलब उनके पास था 50-50 भी ये ट्रैक्टर। अच्छा तो फिर तो अब बिल्डो चंगिंग के नाम से भाई अच्छा तो फिर तो बैठ के नुस देख रहा निशु अंकल को कैसी फीलिंग आती होगी 50-50 डी पे। हाँ
देखो भाई जॉन डियर का एक अलग सिस्टम है भाई। देखो जैसे कि वो ट्रैक्टर की न्यूलैंड की अर्जुन की रेस जो दी जा भाई वो ऐसे पीछे की तरफ को दी जा, लेकिन इसकी ऐसे आगे की तरफ को, सिस्टम ही अलग है भाई इसका तो। सिस्टम ही अलग है वो 4x4 था, कभी पापा इंग्लैंड इंडिकेटर पे आता था, कभी उंगली लाइट। और वो देखो भाई सिस्टम ही अलग है वो कड़ा भाई वहाँ ग्रीन सिस्टम ही अलग है भाई। चलो भाई नहीं सिटी नहीं मारता होगा इतना, इसमें नहीं है टर्बो, 52 में है टर्बो कंपनीड, 50-50 डी में नहीं आती। देखो भाई ऐसा ट्रैक्टर आएगा हमारा 52, ये हमारा नहीं है तो थोड़ा सा पुराना है, सर्विस के लिए आया बाबा जी यहाँ है। देखो भाई ट्रैक्टर पहले मैंने चलनी करवानी चाहती, फिर जब उतारे कैसे हो जा। तो दोस्तों भाई फाइनली जो जॉन डियर है 52 वो बुक करवा दिया, और भाई ये लविस भी आया हुआ है। हेलो दोस्तों, तनिष्क भी है भाई। हाँ भाई आ रहे मजे? हाँ भाई पूरे मजे आ रहे, पूरे मजे आ रहे। अच्छा तो भाई ये जॉन डियर 50-50D गियर प्रो V1, ये देखो भाई हाई लो मीडियम में आ गया, ये भी 3 स्पीड के साथ आ गया, ठीक है। अरे कम वजन पर बंद रही, आ जा नीचे उतरिया, ज्यादा मजे ना ले, बहुत ले लिए अगर हम इसके से देखे तो ऐसा लगे जैसा 54-05 हो, पर लेकिन ये है 53-10 फोर व्हील ड्राइव, ज्यादा तगड़ा है तो खाई जा वैसा तो। और भाई जो लाइट है ना ये बहुत अच्छी है इसकी, ये टू व्हील में भी आपने मिलेंगी, ये जॉन डियर का जो 53-10 आवे टू व्हील ड्राइव में भी है ना, ये लाइट एलईडी है, एलईडी नहीं 53-10 में नहीं है, 53-10 में है, 53-10 में 54-05 नहीं, 53-10 की तो बात कर रहा मैं, टू व्हील ड्राइव में भी है ये। अच्छा टू व्हील, दोस्तों टू व्हील ड्राइव में भी यही एलईडी लाइट मिलेगी आपको 53-10 अगर लोगे तो, लेकिन 52-10 में नहीं मिलेगी, 52-10 में नहीं मिलेगी रे बाबा। आ जा नीचे, आ जा दिया, आ जा नीचे, ये तो स्टैंडिंग अपने आप ही भाग गया, अमेरिकन मशीन है यार, 52-10 कभी हो रहा है, देख नीचे नहीं हो रहा, उस पर करिए ऊपर स्टैंडिंग, ऊपर तो कर देना नीचे करने में किने जाए वो वो देख आगे तो पकड़ा इनने भी, क्या लो उका लो निकल गई हवा, वो सही तो नहीं होता, निकल गई ना हवा, एडजस्ट है गैस निकल गई भरी हुई, 52-10 का भी है एडजस्ट ना, 52-10 का नहीं है पर लगवाना पड़ेगा उसमें। और भाई ये जो जॉन डियर का जो है ना भाई ये 51-05 है, 40 HP का ट्रैक्टर है, और भाई इधर है जो 50-36, ये 36 HP का है, देखने में वैसे सेम से ही लगे हैं ट्रैक्टर, कोई ज्यादा फर्क नहीं लगता देखने में, लेकिन पावर वाइज भाई अंतर है, 13-6 के टायर है 51-05 में भी, और भाई 50-36D में भी 13-6 के टायर है, अगले टायर भाई हमने इसमें मिलेंगे 6-16 के, और भाई इधर भी 6-16 के ही मिल रहे, बाकी देखने में कोई ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है, दोनों ट्रैक्टर आपको लुक वाइज जो है ना भाई सेम ही दिखाई देंगे। और भाई ऐसे ही है 54-05 और 53-10 लुक वाइज दोनों सेम दिखाई देंगे, लेकिन इनमें टायरों का अंतर है। आ जा नीचे, आ जाए इस पे ही रहेगा, घर भी चलना है, घर भी जाना ही है? देखे बैठ कर प्लेटफॉर्म कैसा इसका, बैठ के देखे एक बार, हट जा रहा है, देखिए सेटिंग आ जाएगी सही, तेरी तो इस पे भी नहीं आती क्या दिक्कत है, जुगाड़ी जॉन डियर ही नहीं है,
सब सिस्टम से लगा हुआ है। आ जा ये देखो भाई, ग्रीन सिस्टम जॉन डियर का रिपर है भाई, ये देखो गजब रिपर है। ट्रैक्टर का तो कहाँ है एंगल लग रहा हूँ। बड़ा है देखो भाई जॉन डियर का भी रिपर आ गए ग्रीन सिस्टम के नाम से। किसी किसी मिल मिलता होगा। बस इनके जो कस्टमर है ना वो प्रीमियम हो, है नहीं, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती वो मंगाते हैं। बैग गेयर नहीं लग रहा दोस्त पे। बताओ क्यों फिल्म पिटे वाले ओ चिकू ओ आओ देख मार दी थी टक्कर, देख उनने टक्कर मार दी, देख इस पे गेयर नहीं लग रहा, बैग कर दिया, बैग गेयर नहीं लग रहा, मुंह निकलेगा तब गेयर नहीं लग रहा। ये देखो भाई थोड़ा सा बच गया, नहीं फोड़ दिया था इनने ट्रैक्टर से, मार दिया था लगा बैग गेयर। तुझे 6 महीने में दो लैंड के गेयर सीखे और साल भर लगेगा तुझे इसके सीखने में। चल हटा पीछे, चलाना भी पड़ जाएगा, दिन चला नहीं रहा। ओ भाई गेयर गेयर बताया दोस्त कहाँ लगेगा। निकल गई हवा कही है, यही बताया था, यही खड़ा हो गया, ये हो गया। हाँ बड़ की बात। चल हाई में लगाइए, हाई में लगाइए, हाई में और रुक जा, हाई में लगाइए पीछे की। लो में लगाइए, लो में लगाइए। ओ लो नहीं आया। लो नहीं आया। लो खराब हो रही, पहले बैक गियर खराब हो रहा था। चल पहले तो रहने दे, पिकअप चेक करवा इसका, दूसरे के हाई में लगाया गया। कब भी नहीं आता है तो को भाई ताऊ को बाइक लेनी है, टेस्टिंग चल रही है इसकी, नु चलेगी टेस्टिंग इसकी, हटा दे घड़ी पड़े और टेस्टिंग लेनी है आगे जाए पीछे तय चकनी फिर तुझे यही और यही लेगा 150 एक सेकंड दिखा मेरे को कोई दिखा स्टंट में दिखाऊ लेनी तुझे। हां जी इधर बात बात करनी एवरेज कितने का देते हो बाप जी? लगभग 50। बुलेट तो तेज है पिकअप इसका। बुलेट तो तेज है, वो भारी है, ज्यादा है नहीं, पर बाकी वो 350 cc की है ना, जैसे ऐसा उसमें इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस दे देती है यार, 125 में इतनी बढ़िया दे रहे हैं। 150 वाली शायद उसकी बराबर वो जही तो ज्यादा भारी होगी, पटाखा नहीं मारने दिया बेटे। ना इंजेक्टर वाली है, किल किल सिस्टम देख रहा, इसमें तो साइलेंसर भी ना, इंजेक्टर कार्बोरेटर मारने के लिए 2024 भी कार्बोरेटर में आवे है, सिलेंसर कंपनी का इसमें यानी मारने की।
चट जाएगी। बढ़िया देखने में भी, ये सीट है जो, ये भी भाई डबल है, देखने में बढ़िया है, पर पिछले डिस्क ब्रेक नहीं है। 150 में आवे, 150 में तो ना आवे, 150 में तो ना आवे, 150 रुपए की क्या बाबा, 150 रुपए की तो इतने की बैलेंस भी कट गया था।